बैटिंग करने आएंगे, नहीं बॉस कंडीशंस कुछ भी हो, जितना भी फ्लैट विकेट हो, इतना बड़ा फेटा अगर पड़ता होता ना तो टीमें हर दो चार साल बाद ये फेटा खा रही होती। ये इसी क्रिकेट पे वैसे माजरत के साथ ये पिच में आई है, ये पिच इतना आम थी, उनको ये दिखाना था, वो थोड़े से आए हैं इंग्लिश स्पेक्टेटर्स, थोड़े से हैंडफुल। तो यहाँ पे इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया इंग्लैंड वालों ने यार, मतलब आपको मालूम है इससे पहले कभी भी टेस्ट के एक दिन में, और अभी तो खेल 10-12 ओवर को पुराना करता है, यू नो वो जो चीज थी वो बिल्कुल नजर नहीं है, बहुत ही पॉजिटिव उन कहीं पे भी मुझे ऐसा शुरू में मैच देखा मुझे लग रहा है 12 साल बाद हुआ है, एक सेंचुरी गुजरने के बाद 112 साल बाद 75 ओवर में आ रहा है आपके नसीम को आपके। अच्छा भाई टी के बाद से हारिस रऊफ को छुपा के रखा हुआ कि यार तेरी मार ना लग जाए तुझे बचा लूं मैं। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं कल्ली मीडिया लेटेस्ट इंडिया। दोस्तों इंग्लैंड ने रावलपिंडी टेस्ट में कमाल की बल्लेबाजी की और पाकिस्तानी बॉलरों की हालत ख़राब कर दी। पाकिस्तानी बॉलरों को कहाँ पे बॉल डाले ऐसा ही उनके दिमाग में से ही निकल गया, ऐसी इंग्लैंड ने बल्लेबाजी की। इंग्लैंड के दोनों ओपनरों ने शतकीय साझेदारी की और इंग्लैंड ने इस मैच में इंग्लैंड के चार बल्लेबाजों ने शतक लगाए जो कि एक रिकॉर्ड बना, और साथ ही साथ इंग्लैंड ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक दिन में 75 ओवर में 506 रन बनाकर रिकॉर्ड बना दिया, वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। वहाँ पीछे 15 ओवर बच गए और 75 ओवर में इंग्लैंड ने 506 रन बना दिए, ये रिकॉर्ड भी पाकिस्तान के नाम जाता है। पाकिस्तान को इंग्लैंड ने बुरी तरह से धो दिया, खेल गए, वो कंडीशंस ऐसी हो गई, हम भी बैटिंग करने आएंगे, नहीं बॉस कंडीशंस कुछ भी हो, जितना भी फ्लैट विकेट हो, इतना बड़ा फेटा अगर पड़ता होता ना तो टीमें हर दो चार साल बाद ये फेटा खा रही होती। ये 112 साल बाद हुआ है, एक सेंचुरी गुजरने के बाद 112 साल बाद 75 ओवर में वो 506 रन बना गए, जिसमें आखिरी 10 ओवर में उन्होंने 96 रन बनाए हैं। आखिरी 10 ओवर में फ्रॉम 65th ओवर टू द 75th ओवर इंग्लैंड हैज स्कोर्ड 96 फॉर 1 व्हिच मेक्स 9.6 इन अ टेस्ट क्रिकेट। चाहे दुनिया में जितना भी फ्लैट विकेट हो इस किस्म का फेटा हमें नहीं देखता, 6.75 का पूरे दिन का अंदर रन रेट को मेंटेन करना इज अनबिलीवेबल, इट हैज नेवर बीन एवर थॉट ऑफ, जो आज इंग्लैंड ने अपने घर से बाहर निकल के उन कंडीशंस में आके किया जिन कंडीशंस में वो लोग एलियन थे, जिस कंडीशंस में शायद वो इतने खेलने के कैपेबल नहीं थे या उनको पता नहीं था, लेकिन आज बॉल नंबर 1 से जो इंग्लैंड जिस तरह नजर आया और जिस तरह हम नजर आए, मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है कि ये इंग्लैंड का घर ज्यादा और हम या शायद विजिटर्स हैं जो दुनिया में अपनी जिंदगी में पहली दफा खेलने आए हैं। लेकिन सच और हकीकत ये है कि इंग्लैंड के जो जितने भी बैटर्स हैं ये अपनी जिंदगी में पहली दफा यहाँ टेस्ट क्रिकेट रेड बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर, और ये ऐसे खेल रहे हैं जैसे ये बचपन से खेल रहे हैं। इससे ज्यादा बड़ी अगर एम्बैरेसमेंट आपको फील नहीं होती तो शायद आप वो एम्बैरेसमेंट फील करना नहीं चाहते, लेकिन मेरी नजर में to be a die hard pakistani fan this is one of the most darkest day in our test cricket history, isse zyada shayad darkest day maine recent past ya bahut arse pehle tak nahi dekha, itna bada historic pheta 17 saal aaj to phete ki had nikal gayi। abhi bhi mere khayal se agar babar azam apni galtiyon se ya apne decisions nahi lena chahenge, फिर बीच में वनडे खेला और एंड में T10 शुरू कर दिया। नहीं भाईजान, ये T10 से भी आगे का 8.29 की या 16 की औसत से आखिरी सेशन आया है, 8.8 रन पर ओवर, ये कहां बनते हैं, किस गेम में बनते हैं। तोबा तोबा, जिस तरह निकल निकल के मोहम्मद अली साहब को वो पंचेज मार रहा था, बेंचिंग किया उसने, दिखाया क्रिकेट। आज 400 वर्ल्ड रिकॉर्ड, 500 बन चुकी है एक जाहिर की, 200 कल और आ जाएंगी नसीम की और मोहम्मद अली साहब की, और भी कहीं आएंगी। शर्म से डूब मरे, ये जो क्रिकेट आप खिला रहे हैं ना, आप किसी कोने में मुंह दें और आपके बंदा आपको और अंदर करे, लानत है ऐसी क्रिकेट पे। वैसे माजरत के साथ ये पिच में आई है, ये पिच इतना आम थी, उनको ये दिखाना था, वो थोड़े से आए हैं इंग्लिश स्पेक्टेटर्स, थोड़े से हैंडफुल,
लेकिन वो इतने खुश खुश गए यूं देखते हुए गए राम ने इंग्लिश कह रहे हैं कुछ और खिलाना तो खिला दो हमारी तो एनर्जी बढ़ रही है जी। वो भी पूछ रहे हैं और कुछ रह गया तो वो भी पूछ रहे हैं ये जो बता रहे हैं और कुछ रह गया। आपने तो स्पेक्टेटर्स की वो जो इंग्लैंड बामी आर्मी जो भी नाम है वो आए हुए हैं लेकिन यहाँ पे हमारे मीडिया बॉक्स में भाई वो कच्चे पहन के बैठे हुए हैं इंग्लैंड के जो इंग्लिश साफी हैं तो वो भाईजान मुस्कुरा रहे हैं देख रहे हैं खुश गपियों में लगे हुए हैं ऐसे ऐसे देखते हैं हाँ जी मजे आ रहे हैं राम है मजे आ रहे हैं इधर सज्जे पासे तकने ने फिर खब्बे पासे तकने ने और देखते हैं जी हाँ जी मजे आ रहे हैं तो ये बैठ के भाईजान देख लेंगे भाईजान अब क्या करें भाई हमने तो शीशा में के आवाज ही उठा सकते रैंक टर्नर बन रही है थोड़ी खेलना जाते हैं मौसम मारा मार्च का आने का मार्च है या दिसंबर हम तुम्हें धोबी की तरह फुटड़े लगाएंगे तुम्हारे घर में घुस के तुम्हें बताएंगे क्रिकेट क्या होती है ये है क्रिकेट आप डरे कोई पिच को रोना रो रहा है भाई ये एक अच्छी बैटिंग विकेट है ये एक अच्छी बैटिंग विकेट है ये विकेट वो नहीं है कि पड़ के गेंद नीचे रह रहा है या ऊपर रह रहा है तो यहाँ पे इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया इंग्लैंड वालों ने यार मतलब आपको मालूम है इससे पहले कभी भी टेस्ट के एक दिन में और अभी तो खेल 10-12 ओवर पहले कॉल ऑफ हो गया मुझे तो पता है कि पिंडी में क्या होता है मैच फोक का ये चला था कि ये लोग बेचारे भीगे भीगे से हो रहे हैं इंग्लैंड वाले बेचारे तो वही हैं हाँ बेचारे वही हैं लेकिन इन्हें शर्म आनी चाहिए कि मतलब एक आदमी है मैं किसकी बात पहले करूं चलो ब्रूक की करता हूं अबे डेब्यूटांट ऐसे खेल रहा है जैसे वो पीछे से 5 लगातार टेस्ट सेंचुरीज बना के आ रहा है आपके नसीम को आपके अच्छा भाई टी के बाद से हारिस रऊफ को छुपा के रखा हुआ कि यार तेरी मार ना लग जाए तुझे बचा लूं मैं अज्जू भाई कह रहे हैं रिटायरमेंट ले रहा हूं मैं ऐसे नहीं खेल सकता पहले मैच से ऐसे खेल रहा हूं तो पाकिस्तान पता नहीं कहां खड़ा होता मतलब 75 ओवर में 500 रन पहला इटसेल्फ हादसा है जनाजे पढ़वा दिए इन्होंने रावलपिंडी में बाबर 11 के अबे ये है कौन हैरी मुरुग आकिब भाई ने इसको फोन किया होगा कि आज इन्हें बता दे कि इंटेंट क्या होती है रियल टेस्ट क्रिकेट का किंग कौन होता है नहीं मैं अब लानत भेजता हूँ आईसीसी के ऊपर पहले तो या अब्दुल्ला डिमेरिट पॉइंट ये 4-4 सेंचुरियां बनाई है इन लोगों ने कैसे बना ली इन्होंने फिर मेरे बाबर मिला तुम लोगों को जुल्म करने के लिए सिर्फ क्या एक छोटी सी बात कर दूं ये विकेट आईसीसी मार खेले अगर ये अच्छा खेल जाते तो ना जाने ये क्या 700 रन बनाते क्या इनका टेस्ट कराओ लगा ये वायरस है कौन सा ये कौन सा ताकतवर वायरस है जिससे देखने में तो बीमार है आदमी यार हम क्या बात करें बल्कि वो हमें बताएंगे किस इरादे से आए हैं पाकिस्तान खेलने आई थिंक इतना आउटस्टैंडिंग स्टार्ट क्या उनकी अप्रोच क्या माइंडसेट है इन लोगों का पर नसवीर अगर आपको याद हो कि इंग्लिश प्लेयर जो है वो हमेशा आता है पूरा टाइम लेता है बॉल को पुराना करता है यू नो वो जो चीज थी वो बिल्कुल नजर नहीं आई बहुत ही पॉजिटिव उन्हें उन कहीं पे भी मुझे ऐसा शुरू में मैच देखा मुझे लग रहा है T20 मैच है कि वनडे मैच है टेस्ट मैच लग ही नहीं रहा था आप उनके तीनों बैट्समैनों को देखें उनकी स्ट्राइक रेट चेक करें कहीं हमें ऐसा नहीं लगा कि बॉलर जो है वो हावी हो रहा है बैट्समैन पे आउट करने जा रहा है बैट्समैन प्रेशर फील कर रहा है आई मीन कि मैं सारा जितनी भी तारीफ की जाए इंग्लिश प्लेयर्स की कम है बिल्कुल फ्रॉम द वर्ड गो जिस तरह उन्होंने शुरुआत की जिस तरह वो चढ़ के खेले वो एक बैसबॉल अप्रोच की बात हो रही थी कि नहीं जी इंग्लैंड जब इंग्लैंड में ही खेलेगा तभी बैसबॉल अप्रोच होगी कहीं बाहर नहीं खेल पाएंगे बट लाला हम हर दफा एक बात दोस्तों आज 1 दिसंबर जो कि ये डेट याद रखी जाएगी टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में भी और क्रिकेट इतिहास में भी क्योंकि इस तारीख को इंग्लैंड ने बैसबॉल जो कि इंग्लैंड बैसबॉल के लिए जाना जाता है बेन मैकलम के आने के बाद से इंग्लैंड ने आज ऐसी बेसबॉल क्रिकेट खेली कि पाकिस्तान को कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा था पाकिस्तान को ऐसे धोया इंग्लैंड ने धोबी के जैसे कोई टीम नहीं धो सकती पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में इंग्लैंड ने 506 रन वो भी एक दिन में और 90 ओवर का खेल भी नहीं हुआ फिर भी इंग्लैंड ने 506 रन बना डाले इंग्लैंड ने पाकिस्तान को बेसबॉल की तरह ही धोया जैसे बेसबॉल में धोते हैं ना ऐसे ही धो दिया भिखारिस्तान को पाकिस्तानी मीडिया को ये रिकॉर्ड बनने के बाद मज़ा नहीं आ रहा पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि
हमारे नाम हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हमारे नाम ही ऐसे रिकॉर्ड बनते हैं, 506 रन, वो भी एक दिन में, वो भी 15 ओवर भी नहीं हुए लास्ट के, और ऐसा रिकॉर्ड बन गया। इंग्लैंड ने ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग तो की है, लेकिन इंग्लैंड कल और 200 रन तो बनाएगा, और फिर इंग्लैंड बॉलिंग में पाकिस्तान को दिखाएगा कि ऐसे बॉलिंग की जाती है। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और दोस्तों इंग्लैंड के दोनों ओपनरों ने जेड क्रॉली और हैरी ब्रूक ने भी दोनों ने मिलकर 100 रन बनाए, दोनों ने 100 रन बनाए।